आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इसरो ने रविवार को अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च कर दिया है और यह लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। इसरो ने रविवार को अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर नया इतिहास रच दिया। SSLV D1 750 छात्रों द्वारा निर्मित सैटेलाइट आजादी सैट और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भी अपने साथ ले गया है और देश के सबसे छोटे रॉकेट की लॉन्चिंग तो सफल रही, लेकिन मिशन के अंतिम चरण में वैज्ञानिकों को थोड़ी निराशा हाथ लगी। दरअसल इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि SSLV D1 ने सभी चरणों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और सैटेलाइट को कक्षा में भी पहुंचा दिया, लेकिन मिशन के अंतिम चरण में कुछ डेटा की क्षति हो रही है जिससे सैटेलाइट में संपर्क टूट गया है, जिसके बाद इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर लगातार डेटा लिंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है और हम जैसे ही लिंक स्थापित कर लेंगे फिर देश को सूचित करेंगे। बता दें कि SSLV D1 देश का सबसे छोटा रॉकेट है। 110 किलो वजनी SSLV 3 स्टेज का रॉकेट है जिसके सभी हिस्से सॉलिड स्टेज के हैं। इसे महज 72 घंटों में अनसबल किया जा सकता है, जबकि बाकी लॉन्च व्हीकल को करीब 2 महीने लग जाते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।